आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। देश के अधिकांश हिस्सों में यहाँ पर मौसमी बारिश जारी है, तो अधिकांश हिस्सों में देश में गर्मी भी जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिमी सिरे हिमालय के तराई क्षेत्रों पर है। मध्य में ये बरेली वाराणसी होते हुए ये पूर्व में पटना और मालदा असम मेघालय तक बना हुआ है। वही तेलंगाना में निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर चक्रवर्ती क्षेत्र में तब्दील हो गया है। ये सिस्टम तेलंगाना और उससे सटे भागों पर अभी भी सक्रिय है। निचले स्तर पर एक चक्रवर्ती हवा का क्षेत्र राजस्थान के मध्य भागों पर भी बना हुआ है। स्काई मेट वेदर से प्राप्त समाचारों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश यहां पर दर्ज की जाएगी। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम मेघालय कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने के आसार है। वहीं अरुणाचल प्रदेश कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक से दो स्थानों पर यहाँ पर कुछ समय के लिए भारी बारिश के आसार भी जताए हैं। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तटीय कर्नाटक उत्तरी कर्नाटक और केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेलंगाना दक्षिणी तेलंगाना और लक्षद्वीप पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है कहीं कहीं। वहीं उड़ीसा गंगे पश्चिम बंगाल और विदर्भ मराठवाड़ा गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना, गर्मी और उमस से लोगों को मिलेगी राहत। मौसम विभाग केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यहां पर हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया है। दिल्ली में पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हुई है, जबकि मानसून अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वही सरपतगंज वैद्यशाला ने यहाँ पर 8 सितंबर को 1.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सितंबर में दिल्ली में अभी तक 78% कम बारिश हुई है। सरपतगंज वैद्यशाला ने इस महीने सामान्य से 94 mm की तुलना में यहां पर 20.9 mm बारिश रिकॉर्ड की है। वहीं दिल्ली में इस बार सामान्य से दो दिन पहले यहां पर 25 जून को मानसून यहां पर पहुंच गया था। अगले सप्ताह तक शहर में अधिकांश हिस्सों में यहां पर बादल छाए रहेंगे, जबकि दिन के समय तापमान अगले 7 दिनों तक यहां पर 37 डिग्री सेल्सियस पर रहेगा। वहीं मौसम विभाग के वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा है कि 22 सितंबर के आसपास हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि इस महीने दिल्ली में कम बारिश होने की संभावना। वहीं स्काई मेट वेदर ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी आंध्र प्रदेश से सटे उड़ीसा के इलाकों में विकसित हो रहा है। इसी वजह से 2 सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से मानसूनी हवाएं उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक चलती रहेगी। इसका असर उत्तरी भारत से लौट रहे मानसून पर पड़ेगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। कुमायूं के 4 जिलों में होगी भारी बारिश। उत्तराखंड प्रदेश में एक बार फिर से मानसून यहां पर सक्रिय होगा। मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जताई है। पिछले कुछ दिनों से भारी गर्मी देखने को यहां पर मिल रही है। ऐसे में अब कुमायूं के नैनीताल बागेश्वर पिथौरागढ़ और ऊधमसिंह नगर जिलों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की आशंका है, जबकि राजधानी देहरादून में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर कुमायूं में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग के अंतर के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार गढ़वाल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की आशंका है। मानसून अपने चरण में यहाँ पर अंतिम चरण में है। फिलहाल प्रदेश में 4 धाम सहित अधिकतर यातायात मार्ग सुचारू है। आज गढ़वाल में देहरादून और पौड़ी और टेहरी में हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 3 संभागों और 6 जिलों में बारिश का अलर्ट किया है। सारी मध्य प्रदेश में मौसम पल पल अपना हालत बदल रहा है। कहीं बारिश हो रही तो कहीं तेज धूप खिल रही है। इस बीच मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में भारी बारिश दर्ज की हुई है। वहीं आने वाले कुछ घंटों में यहाँ पर 6 जिलों में बैतूल हरदा और खंडवा और बड़वानी और अलराजपुर में और धार में यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें बैतूल हरदा खंडवा बड़वानी अलीराजपुर और धार जिले शामिल है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 3 संभागों के जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसमें इंदौर उज्जैन होशंगाबाद संभागों में भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें रीवा सतना उमरिया डिंडोरी और जबलपुर छिंदवाड़ा सिवनी और मंडला और बालघाट में येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है।
वही मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ दिनों में से यहां पर बादल शांत है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनने से अगले 24 घंटों में भारी बारिश का संभावना यहां पर बन रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर बारिश की चेतावनी जताई है। मौसम ने बदली करवट, झारखंड के 18 जिलों में आज हो सकती है बारिश। पिछले 3 दिनों से गर्मी के बाद यहाँ पर झारखंड में बारिश का मौसम बन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रांची सहित 18 जिलों में यहां पर गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं सीमाडंगा, पश्चिमी सिंहभूम और सहरसा, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, रांची और बोकारो, हजारीबाग, देवघर और धनबाद और दुमका, गिडाई और गोड्डा और जमतड़ा और साहिबगंज जिलों में के लिए मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गर्जन के साथ बर्फबारी और मध्यम हल्की से बारिश यहां पर होने की संभावना है। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में एकदम कम दबाव का चक्रवर्ती क्षेत्र बन रहा है, जो 20 सितंबर तक पूर्ण रूप से सक्रिय होने की संभावना है। इसके बाद राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यहां पर मंगलवार को राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही। झारखंड राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश 32.8 mm यहाँ पर विश्रामपुर में दर्ज की गई है। सबसे कम न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रांची, जबकि सबसे अधिक तापमान यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अंदर रांची के वैज्ञानिक के अनुसार यहाँ पर मंगलवार तक अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक हो गया था। उमस भी हो रही थी, मगर अब अगले 2-3 दिन यहाँ पर तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। दक्षिणी गुजरात और उत्तरी गुजरात के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी है। उमरपाड़ा तहसील में 2 घंटों में बरस गए 21 इंच बारिश। दक्षिणी गुजरात में बारिश का सिस्टम हुआ है सक्रिय। दक्षिणी गुजरात में बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया है। गुरुवार को जिले के उमरपाड़ा तहसील में 2 घंटे में यहां पर 11 इंच बारिश हुई है, जिससे गलियों सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जंगली क्षेत्र में भारी बारिश के कारण लोगों को परेशानी का सामना यहां पर करना पड़ा है। उमरपाड़ा के अलावा मंगरोला तहसील में भी 2 घंटों में 72 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि कुल 5.25 इंच होने के कारण यहां पर सड़कों पर पानी भर गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ है। गुजरात मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिणी गुजरात में बारिश का सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके कारण आगामी 4-5 दिनों तक यहां पर झमाझम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं जिले के उमरपाड़ा तहसील के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वह रास्तों पर नदी जैसा बहाव होने लगा है। वहीं करीब 2 घंटे हुए भारी बारिश से यहां पर जनजीवन थमता नजर आया है। वहीं यहां पर गुरुवार को हुई बारिश के कारण चितलड़ा और खंबा बंगाली को जोड़ने वाले कजवा रास्ते पर पानी भर गया, जिससे वाहनों को आवागमन यहां पर बंद करना पड़ा। वहीं भारी बारिश की वजह से यहां पर वीरा नदी में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान में अगले 2 दिनों तक कुछ इलाकों में बारिश होगी। वहीं अगले 2 घंटों के दौरान देगा, झुंझुनू, मेहंदीपुर, बालाजी और भरतपुर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं यह जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। राजस्थान में इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 33 में से 17 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, जिनमें जयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में अधिक बारिश हुई है। वहीं प्रदेश के 742 बांधों में से 119 पूरी तरह से लबालब हो गए, जिनमें 22 बांध में 83.84% पानी भरे हुए हैं। वहीं 390 बांध आंशिक रूप से भरे हैं, लेकिन 223 बांध अभी भी खाली पड़े हैं। राज्य के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे राज्य में 1 जून से 5 सितंबर तक कुल 474 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि औसत बारिश 463 mm से यहां पर 2.30% अधिक है। पिछले साल इस अवधि में यहां पर औसतन 6.94% अधिक बारिश हुई थी। वहीं 9 जिलों में अधिक बारिश हुई है, जिनमें 20% से 59%, और 6 जिलों में कम बारिश हुई, जिनमें -20 से -59%, तभी 1 जिले में असामान्य बारिश हुई, जिसमें 60% अधिक बारिश हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिला मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम सबसे अधिक बारिश यहाँ पर हुई है। वहीं गंगानगर जिले में साल 31% कम बारिश के कारण राजस्थान का सबसे कम बारिश इसी जिले में राजस्थान में हुई है। जैसलमेर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर इस वर्ष असामान्य बारिश हुई है। यहाँ 272.83 mm बारिश औसत वर्षा की तुलना में 87.9% अधिक हुई है। वहीं जोधपुर संभाग को छोड़कर जहाँ अधिक बारिश दर्ज की गई है, वहाँ शेष 6 संभागों में उदयपुर,
कोटा, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर सब में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। अजमेर, बारा, भीलवाड़ा और बीकानेर, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, दौसा और जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोज में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर और नागौर, राजसमंद, उदयपुर में अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि अलवर, बूंदी, धौलपुर, गंगानगर, कोटा, टोंक में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस साल राज्य में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ बहुत कम औसत से 60% कम बारिश हुई हो। बेंगलुरु के कई इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश का पूर्वानुमान। देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ दिनों से बारिश के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। कर्नाटक राज्य की प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्र में व्यापक रूप से हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। वहीं 19 सितम्बर तक अगले 24 घंटों के लिए बेंगलुरु शहरी, कन्नौर और तुमकुरू और चित्रदुर्ग जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा बिंदर, कुलमर्गी, रायचूर, राधनपुर और बेलागेवी, बागलकोट और कटक, धारवाड़, विजयवाड़ा और बलोतरी जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की है।